विकासनगर में आंगनबाड़ी केंद्र के राशन में कीड़े मिलने से ग्रामीण महिलाओं में रोष जताया है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में राशन डीलर के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है उस राशन में कीड़े मिलने की बात सामने आई है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए चावल, अंडा और अन्य पोषाहार दिया जाता है, लेकिन राशन की हेराफेरी के चलते बच्चों को पुराना और कीड़े वाला अनाज मिल रहा है। पूरा मामला गाँव आदूवाला से सामने आया, जहाँ पर एक महिला ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषाहार के रूप में घटिया क्वालिटी का कीड़े वाला राशन दिया जा रहा है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सुषमा रावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। मामला तो यही है कि हम जाते हैं राशन लेने के लिए और हमें बिल्कुल बहुत ही गंदा राशन मिलता है, चावल में कीड़े है, बिल्कुल ही गंदे। अगर आप देखोगे ना तो आप ये कहोगे कि यहाँ पता नहीं कितने सालों पुराने चावल हो गए, इतने कीड़े हैं उसमें दुनिया भर के। बस यही, कभी खजूर का एक पैकेट दे देते हैं, कभी 4 अंडे या कभी 6 अंडे। अब जो मांसाहारी है वो शाकाहारी है, उनमें बहुत अंतर है ना, शाकाहारी वाले कहाँ खाएंगे अंडे। नहीं बस बोलना तो था, फिर ये कह रहे कि अभी तो यही ऐसे ही चावल आ रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि हमें अच्छा वो मिले, राशन अच्छा मिले। हमारा तो ये कहना है कि हम गोदाम से जो है वो चावल आता है और सारे जनता में वही वाला बढ़ता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो अगर उसमें कुछ खराबी है या कुछ मतलब अगर उसमें कीड़े हैं या पुराना चावल है या उसके खाने लायक नहीं है, तो उसको सबसे पहले तो जो सीधी वो है कहते हैं आंगनबाड़ी हमारी, वो आकर के हमें बताए, वहाँ करके हमें बताया कि भाई चावल में खराब है, तो हम जाकर आगे जाकर के खाद्यान्न विभाग और अपने विभाग को सूचित करेंगे, जिससे कि उसमें क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार होगा। अगर कहीं पर हमें कमी लगेगी या हो सकता है वो कोई दूसरा वाला चावल ना दे रहा हो जो हमने यहाँ से रिकमेंड किया है, जो विभाग से हुआ है वो ना दे रहा हो, उसके अलावा कोई दूसरी क्वालिटी दे रहा, तो इस पे की भी जाँच हो सकती है।